जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो एक नई वीडियो लेकर के आया हूं जो है केवीएस पेडागोजी एग्जाम को लेकर के, और ये एक मॉक टेस्ट है। उम्मीद है आपका ये जो है काफ़ी अच्छा एक प्रैक्टिस होगी क्वेश्चंस की, और नए क्वेश्चंस आपको सीखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है कि ये जो इफेक्टिव टीचर है वो क्या करता है? छात्रों को प्रश्न पूछने की अनुमति देता है, समय के भीतर पाठ्यक्रम पूरा करता है, विभिन्न प्रकार के अधिगम अनुभव प्रदान करता है, या अनुपस्थित छात्रों को सब कुछ समझाता है। तो इसका जो सही उत्तर है, प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, वो विभिन्न प्रकार के लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराता है एक जो इफेक्टिव टीचर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपने जरूर पढ़ा होगा, जो पियाजे की जो संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जो सिद्धांत हैं उसने चार चरण लिए थे। तो ये एक सही मिलान है, सही जोड़ी है, मैचिंग है। तो आपको पता होगा ये चार अवस्थाएं उसने बताई थी, संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूल संक्रियात्मक और औपचारिक। ये आपने पढ़ रखा होगा। तो आपको ये पता होगा कि संवेदी प्रेरक अवस्था होती है, उसमें क्या होता है? इसमें संवेदी प्रेरक अवस्था में वस्तु का स्थायित्व तो होना शुरू हो जाता है। तो ए का जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इसकी उम्र जो 0 से 2 ईयर्स तक रहती है। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है 2 से 7 ईयर तक रहती है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ये प्रतिवर्ती अवधारणा ये जो है आ जाती है। इसके बाद जो सी है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें क्या है कि एकत्र किए गए प्रमाणों के साथ विषय पर बहस करना, ये करना बच्चा सीख जाता है, और इसकी उम्र होती है 7 से 12 साल। और जो औपचारिक संक्रियात्मक डी है, डी का पहला हो जाएगा कि परिकल्पना निर्माण और परिकल्पना परीक्षण, जिसको कह सकते हैं डिस्ट्रिक्टिव कॉग्निटिव फीचर, हाइपोथेसिस मेकिंग एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जो है ये लास्ट वाली अवस्था में बच्चा करना सीख लेता है। तो इसका जो तो हो जाएगा ये पहला ही हो जाएगा, ए का 3, B2, C4 और D1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से किसका एक विषय है? सामाजिक विकास की बात करी गई है, सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक कौशल का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल, सामाजिक व्यवस्था की मांगों के अनुपालन, सामाजिक सुरक्षा और स्वीकृति की प्राप्ति, और इसके बाद जो है सामाजिक व्यवस्था के साथ किसी उद्देश्यों के एकीकरण। तो ये इसका जो सही उत्तर है वो चौथा है, कि द इंटीग्रेशन ऑफ वंस पर्पस विद दोज ऑफ द सोशल ऑर्डर, ये क्या है, सामाजिक विकास का अनिवार्य रूप से एक विषय है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 6 महीने की उम्र तक शिशु कौन सा कार्य करने में सक्षम होते हैं किसको छोड़कर? तो तुतलाहट, बैठना और ठोस खाद्य पदार्थ खाना, ईट सॉलिड, ये तो सीख जाते हैं, लेकिन ये जो घुड़कना है, क्रॉलिंग है, ये बच्चे सीखते हैं 7 से 8 महीने के लगभग स्टार्ट करते हैं, क्रॉलिंग जो पैर के बल चलना। तो ये जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा कि घुड़कने को जो क्रॉलिंग को छोड़ करके बाकी सब कार्य कर लेते हैं 6 महीने के शिशु जो बेबी होता है। आगे लिंग विभाजन को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? पुरुष कर्मचारी महिला कर्मचारियों के बीच विभाजन को, तो डिवीजन बिटवीन मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज, पुरुषों महिलाओं के बीच जैविक अंतर, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, पुरुष स्त्री अनुपात, या फिर इसका ये जो सही उत्तर है यही हो जाएगा कि समाज के भीतर जो हायरार्की है रोल फीमेल्स और मेल्स के लेकर के, वही क्या है लिंग विभाजन को परिभाषित करता है। यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए कोई प्रश्न है लेकिन प्रश्न ही बाय डिफॉल्ट गलत ही है, प्रश्न ही गलत है वो, तो आप क्या करेंगे एज अ टीचर? विद्यार्थी को डांटेंगे, प्रश्न को सही करेंगे, उदाहरण देकर गलती बताएंगे, या गलत प्रश्न के कारण उत्तर का प्रभाव समझाएंगे? तो बिल्कुल यही हो जाएगा, विल इंडिकेट द मिस्टेक बाई गिविंग एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल दे करके उनकी हम गलतियां बता देंगे। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? माइक्रो टीचिंग यदि आपने सुनी होगी, माइक्रो टीचिंग कहलाती है, एक डेमो टीचिंग कहलाता है, जब कुछ टीचर साथ ही मिल करके एक ग्रुप में एक टीचिंग करता है यहाँ पे, और बाकी जो टीचर्स होते हैं वो बैठकर उसका रिव्यू करते हैं, या कुछ स्टूडेंट को ले लिया जाता है डेमो टीचिंग के लिए, तो वो टीचिंग कहलाती है माइक्रो टीचिंग, और इसमें कुल 36 मिनट लगता है। 36 मिनट कैसे लगता है वो मैं बता दूँ कि पहला जो आप टीचिंग करते हो वो 6 मिनट की रहती है, फीडबैक सेशन जो है 6 मिनट का चलता है। इसके बाद आप रीप्लान करते हो वो चलता है 12 मिनट का,
उसके बाद आप रीटीचिंग करते हो और रीफीडबैक होता है, ये 6-6 मिनट के चलते हैं। तो टोटल जो है 36 मिनट हो जाता है आपका माइक्रो टीचिंग का पार्ट। तो क्या कितना टाइम लगता है? 36 मिनट। विद्यार्थी का विकास किस पर निर्भर करता है? वंशानुक्रम पर, वातावरण पर, या वंशानुक्रम एवं वातावरण पर? तो ये आपका बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों पर एक जो स्टूडेंट का डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है। जो रिमेडियल टीचिंग कहलाती है उसका आधार क्या है? डायग्नोसिस, वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट, इंडिविजुअल डिफरेंस, ऑल ऑफ द अबव। आपको पता होगा कि ये जो सभी जो हैं ये रिमेडियल टीचिंग के आधार हो जाते हैं। यदि तीनों चीज़ें हैं तो हमें रिमेडियल टीचिंग की ज़रूरत होती है। आज की वीडियो का अगला और आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिगम के संबंध में सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट अबाउट द लर्निंग? तो लर्निंग जो है एक एडजस्टमेंट होता है, अधिगम बिल्कुल एडजस्टमेंट तो है ही, हम जो है अपने पुराने विचारों को नए विचारों के साथ एक एडजस्टमेंट बैठाते हैं तब हम सीखते हैं। अधिगम सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति है ये नहीं है, और यही पूछा है उन्होंने कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो अधिगम सिर्फ नॉलेज की प्राप्ति नहीं होती है, नॉलेज को हम जब अपनाते हैं जीवन में वो एक अधिगम होता है, अधिगम विकास है, परिपक्वता है, तो ये सब ठीक है। लेकिन प्रश्न था कि कौन सा नहीं है, इसलिए हमने इसका जो उत्तर रखा है वह है अधिगम सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिले होंगे सीखने को, कुछ नया मिला होगा सीखने को, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, क्योंकि हम तो एक पैडागॉजी का सेशन चला ही रहे हैं, लगातार ला रहे हैं, और इसको कंप्लीट ही करना है कुछ दिनों में। यदि आप जिस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ज़रूर आप कमेंट करिए, तो उस पर मैं कंटेंट ढूंढ करके उस पर स्टडी करके नई वीडियोस लाता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।